रास्ता नहीं मिला तो होगा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। यूपी के सीतापुर में छोटी लाइन से बड़ी लाइन के परिवर्तन के दौरान बंद की गई रेलवे क्रॉसिंग खुलवाने के लिए रविवार को हजारों की संख्या में ग्रामीण गोतना गांव में इकट्ठा हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों की चेतावनी के बाद हरकत में आए रेलवे व स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता की और रेल लाइन के किनारे किनारे सड़क बनाए जाने का आश्वासन दिया है। क्या दिक्कत है? अगर हम लोग को अगर रास्ता नहीं दिया गया तो हम किसी भी पार्टी को और नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर रोड दिया जाएगा तो और दी जाएगी, अगर रोड और अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग और नहीं देंगे किसी भी पार्टी को। मालूम हो कि रेलवे विभाग द्वारा लखनऊ सीतापुर रेलखंड को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन के दौरान रेलवे ने सीतापुर से लेकर लखनऊ तक कई रेलवे क्रॉसिंग व मानव रहित क्रॉसिंग बंद कर दिए, जिसमें मनवा हॉल्ट स्टेशन के निकट स्थित गोतना गांव के पास एक रेलवे क्रॉसिंग भी बंद हो गया, जिससे गोतना सहित लगभग 35 गांवों के लोग प्रभावित हुए थे। अरे ये जो डगरा बंद किया गया है, छोटी लाइन पहले थी, डगरा खुला हुआ था, उसके बाद बड़ी लाइन की गई तो डगरा बंद कर दिया गया, जिससे 35-40 गांव जो इधर से निकलते थे उनको बहुत परेशानी हो रही और सारी ग्राम सभा को भी परेशानी हो रही है। और जो क्रॉसिंग दी गई है वो 3 किलोमीटर आगे से दी गई है, इसलिए उधर लूटपाट और चोरी डकैती का भी खतरा है। हम लोग चाहते हैं कि इधर से रास्ता 1 किलोमीटर है, उस डगरे को 42 नंबर से 43 नंबर से जोड़ दिया जाए। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क बनवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। गोदना के ग्राम गोदना के सामने एक लेवल क्रॉसिंग थी रेलवे की, जो रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंद कर दिया था ताकि कोई दुर्घटनाएं ना हो। इसको लेकर चूंकि ग्रामवासी वहां से लगातार आवागमन करते थे तो उनको आने जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, तो उनके द्वारा विरोध काज के लिए कहा गया था और उन्होंने एक सभा भी की। लोग मौके पे गए, उनको समझाया, उनसे बात किया, तो अंत में वो इस बात पर राजी हो गए कि यदि एक ट्रैक उनके लिए मनवा चित्राहे तक रेलवे के किनारे किनारे पटरी बना दिया जाए तो उनको आवागमन में सुविधा भी हो जाएगी और वो फिर चुनाव का कोई बहिष्कार नहीं।